रहेंगे, लेकिन हमारे साथ अब एक मैनेजमेंट मौजूद है, केयर रेटिंग्स के एमडी एंड सीईओ अजय महाजन साहब मौजूद हैं नंबर से बातचीत करने के लिए। अजय जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में वैसे तो जो वाईओवाई बेसिस के नंबर्स हैं वो बेटर ही दिखाई पड़ रहे हैं, 31% के आसपास की आय बढ़ी है और 19% के आसपास मुनाफे में बढ़ी है, मुनाफे में भी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे नंबर थोड़े से ढीले जरूर हैं। क्या मान के चले, क्या हुआ ऐसा इस क्वार्टर के अंदर? हाँ जी, तो सुमित जी फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। दूसरा, जैसे आपने बोला कि कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर के सामने काफी बढ़ोतरी है बिजनेस में, और जो ये बढ़ोतरी है ये हमारी क्वार्टर टू क्वार्टर डिपेंड करती है काफी। कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर हमारा जो है वो राइट कंपेरिजन है, सिक्वेंशियल क्वार्टर राइट कंपेरिजन नहीं है, बिकॉज जैसा आप जानते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो क्रेडिट बिजनेस को रेट करती है, अपने क्लाइंट्स को रेट करती है, और वो बिजनेस देयरफॉर लेंडिंग के साथ बहुत लिंक्ड है। और आप जानते ही हैं कि इस समय टोटल ओवरऑल बैंक क्रेडिट डीग्रो हुआ है पिछले एक साल में -1%, और मैन्युफैक्चरिंग में -1.7% और सर्विसेज में -1.1% के आसपास बैंक क्रेडिट एक्चुअली ईयर ऑन ईयर गिरा है। उसके बावजूद हमने 32% ऑपरेटिंग बिजनेसेस में ग्रोथ किया है कंसोलिडेटेड लेवल पे। स्टैंडअलोन में 26% ग्रोथ है ऑपरेटिंग बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट जो हमारी बैलेंस शीट में कुछ पैसे हैं रखे हुए, जो हमारा एक कैश पूल है, उसमें आप जानते ही हैं कि इंटरेस्ट रेट्स तेजी से कम हुए हैं देश में पिछले 2 या 3 साल में, तो इन्वेस्टमेंट्स में हमारा क्वार्टरली इनकम कम हुआ है 2 करोड़ से। उससे ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 26% से फॉल करके 21% पे नेट इनकम गेन है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट्स को नॉन कोर देखा जाए तो कोर बिजनेस हमारा 26% से बढ़ोतरी हुई है इस क्वार्टर में, और एज मैनेजमेंट वी आर सेटिस्फाइड विद दैट ग्रोथ। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट सुमित जी, इस जो आउटलुक है जो वीक क्रेडिट और वीक इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो तो अभी भी सॉम्बर है, अभी भी सबड्यूड है, लेकिन मुझे लगता है कि रेटिंग बिजनेसेस बॉटम आउट हो रहे हैं। हमने केयर में लास्ट ईयर बोला था कि शायद 2019-20 का जो फाइनेंशियल्स है वो हमारे बॉटम आउट हो जाएंगे। हमारी लगातार पिछले 2 या 3 साल से इनकम गिर रही थी, प्रॉफिटेबिलिटी भी गिर रही थी, अब थोड़ा स्टेबिलाइज हो रहा है और अब हमें लगता है कि ओवर द लॉन्ग टर्म फ्रॉम हियर थिंग्स शुड गेट बेटर। और उसका सुमित जी रीजन 2 या 3 चीजें हैं कि हम अपने क्वालिटी ऑफ रेटिंग्स पे काम कर रहे हैं, अपने प्रोसेसेस में एनालिटिकल रिगर ला रहे हैं, और हम अपनी क्लाइंट आउटरीच बढ़ा रहे हैं, और उसके अलावा हम टेक्नोलॉजी में काफी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। ओके अजय सर, 2-3 चीजें मैं अभी कंपनी की प्रेजेंटेशन में देख रहा था। एक तो एमसीआर जो शायद अपग्रेड और डाउनग्रेड के बीच के रेशियो की रेशियो होता है जो जिससे मापते हैं, उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, पहली चीज। और दूसरी चीज ये जो बॉन्ड मार्केट है यहां पर एक स्ट्रांग डिक्लाइन देखने को मिला है, ये दोनों चीजों को अगर आप एक्सप्लेन कर पाए। हाँ जी, तो ये मैं यही पॉइंट आपसे डिफरेंट तरीके से कह रहा था कि जो टोटल क्रेडिट ग्रोथ है सिस्टम में वो काफी मॉडरेटेड है इस साल, और जैसा आप जानते हैं और न्यूज चैनल्स पे काफी बार कवर हो चुका है कि हमारी जो इस साल की इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रोजेक्शंस थी वो मॉडरेट हुई है, 12.1% से अब मॉडरेट होके गेयर रेटिंग्स की ग्रोथ प्रोजेक्शन 8.8-9% के बीच में है, और वो लो बेस इफेक्ट के कारण हम उसको 8.89% बोल रहे हैं। इन अदर वर्ड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन्स वेरी सब्ड्यूड। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बॉन्ड मार्केट है उसमें लास्ट ईयर एलटीआरओस और टीएलटीआरओस के कारण ज्यादा शार्प अपस्विंग आया था इश्यूएंसेस में, इस साल उतना इश्यूएंस में सपोर्ट नहीं है। इस साल 88,000 करोड़ के बॉन्ड इश्यूएंस हुए हैं क्वार्टर वन में वर्सेस 2.2 लाख करोड़, तो ऑलमोस्ट 1/3 इश्यूएंस हुए हैं। तो ये मेरा अर्लियर पॉइंट को कोरोबोरेट करता है कि टोटल कैपिटल मार्केट और बैंक लोन एक्टिविटी काफी सब्ड्यूड चल रही है इकोनॉमी में, बट जैसा मैंने आपको कहा इट इज मोस्टली द आउटलुक दैट मैटर्स। करंट इकोनॉमिक पैरामीटर्स लुक सब्ड्यूड, हाउएवर वी आर एक्सपेक्टिंग कि थिंग्स विल इंप्रूव फ्रॉम हियर। अच्छा अजय सर, लास्टली क्या मान के चले, संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा कि फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकेंड हाफ बेटर रहेगा? हमारा फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ से ज्यादा हमारे लिए हिस्टोरिकली क्वार्टर सेकेंड और क्वार्टर फोर्थ बेटर रहे हैं एज कंपेयर टू क्वार्टर वन एंड क्वार्टर थ्री।
और उसका एक रीजन है कि हमारी एनुअल सर्वेलेंसेस साल में एक बार होती है, तो जो एक बार साइकिल बन जाती है वो साइकिल को चेंज करना काफी डिफिकल्ट होता है। हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी में रेवेन्यू तब रिकग्नाइज होता है जब हम सर्वेलेंसेस कर लेते हैं, तो उस लिहाज से मैं ये कहूंगा कि हमारा सेकेंड क्वार्टर और सेकेंड एंड फोर्थ क्वार्टर आर हिस्टोरिकली बेटर देन आर फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर्स। डिस्पाइट दैट वी हैव हैड ए रीजनेबली पॉजिटिव फर्स्ट क्वार्टर इज ऑल आई विल से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और तमाम क्लैरिटी इन आंकड़ों को लेकर हमें देने के लिए, हमें बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी, स्टॉक फिलहाल आज 5-6% नीचे कामकाज कर रहा है, नंबर्स का भी ओवरहैंग और दूसरा मिड कैप मैच भी खुआ लिया तो उसका भी एक इंपैक्ट है, करीब 7% नीचे 712 रुपये के स्तरों पर फिलहाल शेयर कामकाज करते हुए। अच्छा